नमस्कार बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट फोर में सब्जेक्ट साइंस में खनिज कुपोषण के बारे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो एपिसोड थे उसमें हमने कुपोषण के बारे हमने पढ़ा था। उस कुपोषण में हमने कौन सा कुपोषण पढ़ा था? प्रोटीन कुपोषण पढ़ा था, विटामिन कुपोषण पढ़ा था, संतुलित भोजन असंतुलित भोजन, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं खनिज कुपोषण के बारे में, कि हमारी बॉडी में अगर किसी खनिज की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारे किस प्रकार का जो रोग है वो कैसे हो जाते हैं, ये हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस है उसमें 6 प्रकार के खनिज यहाँ पे दिए हुए हैं। वैसे हमारी बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 13 प्रकार के हमें तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के? 13 प्रकार। उसमें से ये जो यहाँ पर जो दे रखे हैं 6 प्रकार के जो खनिज हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आज हम चर्चा करने, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सोडियम के बारे में। सोडियम जिसको अपने Na भी कहते हैं, ये जो कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य रूप से ये सामान्य जो नमक होता है जिसका अपने इसका जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ते हैं NaCl, वहां से भी ये प्राप्त होता है। नॉर्मली मछली से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मछली आपको पता है कि सामान्य नमक कहाँ से प्राप्त होता है? खारे पानी से, समुद्री जो पानी होता है वहां से, और समुद्री पानी में ज्यादातर मछलियां रहती है, और मछलियां जब खारे पानी में रहती है तो उनके अंदर भी सोडियम की पूर्ति ज्यादा होती है, तो उससे भी हमें सोडियम मिल सकता है। अगर सोडियम अगर हमारी बॉडी में अगर कमी हो जाती है तो हमारे जो तंत्रिकीय संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है, यानी जो शरीर का संतुलन जो होता है, जैसे हमें किसी प्रकार जैसे यहाँ पे टच किया हमने, तो जैसे यहाँ पे इस तरह से टच कर रहे हैं तो इसका हमें आभास होता है, कहीं चोट लगती है आभास होता है। अगर हमारी बॉडी में अगर सोडियम या अगर कमी है तो हमें ये जो तंत्रिकीय जो समन्वय होता है, शारीरिक जो संतुलन होता है, इसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारी जो बॉडी है यानी शरीर का जो संतुलन बनाने का जो काम है वो कौन करता है? सोडियम करता है। दूसरा आता है पोटेशियम। ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। वैसे सोडियम और पोटेशियम इनके हम देखें अगर ये होते क्या है, ये जो सोडियम और पोटेशियम है दोनों ही खनिज तत्व है और ये सभी खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। और ये भी क्या, इन दोनों का काम दोनों का क्या होता है? सेम होता है, शरीर का संतुलन बनाना। इसी तरह से हमारी बॉडी में एक तीसरे नंबर का जो तत्व होता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम, जो कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, अंडे, हरे सब्जियों से प्राप्त। अब आपको पता है कैल्शियम, आपने बहुत सारे टीवी पे एड भी देखी होगी कि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो सकती है, भंगुर प्रकृति हो सकती है, थोड़ा सा चलने पर, थोड़ी चोट लगने पर टूट जाती है। तो ये प्राप्त कहाँ से होता है कैल्शियम? हमें दूध से, अंडे से, हरी सब्जियों से, बहुत सारे, मैंने यहाँ पे 2-3 ही लिखे हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं जहां से ये हमें प्राप्त हो सकता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम ये कौन करता है? कैल्शियम करता है। दांत जो हमारे होते हैं इसको मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? ये जो हमारा जो अपने कैल्शियम होता है ये करता है। उसके बाद आता है फास्फोरस। कौन सा होता है? फास्फोरस। दूध, बाजरा, यकृत, यानी अब यकृत बात आती है, दूध, बाजरा, रागी है, या फिर और भी बहुत सारे हैं, पर तो मैंने 2-3 ही लिखे हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको आप याद रख सकते हो। दूध, बाजरा, लीवर आदि, यानी जो लोग मांस वगैरह खाते हैं तो उनको, जैसे उनका जैसे किसी भी जीव है उसका जो लीवर होता है उसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है? फास्फोरस करता है। और हमारे जो DNA होता है उसमें भी क्या होता है? फास्फोरस होता है, परंतु यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बुक में जो देर का वो यही है कि हड्डियों को मजबूती यानी कैल्शियम के साथ मिलकर के फास्फोरस कहता है हड्डियों को मजबूती प्रदान करता, मजबूती प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है? फास्फोरस करता है। आगे जो आता है वो आता है 5 नंबर पे, आता है लोह तत्व, जिसको अपने आयरन कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी हमारा तत्व होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये अंडे से, मांस, बाजरा, दही, गाजर आदि से प्राप्त होता है। इसका क्या काम होता है? हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो निर्माण करना जो होता है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? लोह तत्व करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होता है वो HB जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें रक्त अल्पता नाम का रोग हो सकता है, जिससे हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है वो कमजोर हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। आगे आता है आयोडीन।
ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये नमक से प्राप्त किया जा सकता है, समुद्री भोजन। हाँ कि ये क्या होता है, नमक के अंदर जैसे आयोडीन युक्त जो नमक आता है आज के समय बाजार में, उसमें मिलाया जाता है, समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। काला जो नमक होता है उसमें प्राप्त होता है, जामुन जो होता है उसमें जो प्राप्त होता है, जलीय मछली है, बैंगन है, इन सब के अंदर आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा आपको मैंने उस दिन इससे पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया भी था, जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारा जो गला जो होता है, ये गला जो होता है इस गले के यहाँ पर दोनों साइड के अंदर एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और ये एक हार्मोन स्त्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। और इस थायरोक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण का जो काम करता है, स्त्रावित करवाने का जो काम करवाता है, वो कौन करता है? आयोडीन करता है। इस तरह से हमने जो आज पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है इसी के अंदर खनिज कुपोषण के अंदर, कि खनिज कुपोषण कितने प्रकार के, अपने बुक के अंदर 6 प्रकार दे रखे हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व और आयोडीन के बारे में हमने चर्चा की। ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और इनसे कमी से हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी किस तरह से प्रभावित होती है, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। वैसे मैंने आपको बताया था कि 13 प्रकार के तत्व होते हैं, जिसमें से 6 अति महत्वपूर्ण, ये बाकी जो तत्व होते हैं बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। आगे हम बात करें, अगला जो टॉपिक है वो हमारा मानव स्वास्थ्य का है। मानव स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो आती है जल की। किसके बारे में बात आती है? जल की बात आती है, वाटर की बात आती है। वाटर क्या होता है? वाटर जो है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी होता है। पीने योग्य पानी के जो गुण और दूषित पानी के जो दुष्प्रभाव है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो यानी जो पीने योग्य जो पानी होता है वो कैसा होना चाहिए? वो स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के गंधहीन कण नहीं होने चाहिए जिससे कि पानी के अंदर बदबू आए। पारदर्शी होना चाहिए, सूक्ष्म जीवों रहित होना चाहिए, कि उसमें किसी भी प्रकार के कोई बैक्टीरिया, कोई छोटे जीव उसमें नहीं होने चाहिए। उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए या 7 के आसपास होनी चाहिए। थोड़ी सी नीचे हो सकती है, थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात आती है पीएच के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए कि पीएच होता क्या है। पीएच एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, और ये 7 नंबर तक होता है। ठीक है, ये 7 नंबर, ये इधर, यानी यहाँ इससे नीचे जो अगर आएगा तो वो क्या आएगा? एसिड बेस होगा, और इससे ऊपर जो आएगा वो क्या होगा? क्षारीय बेस होगा। इसके बारे में अपने एक चैप्टर दिया भी हुआ है, उसमें भी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि पीएच होता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो जल जो होता है, जल की पीएच क्या होती है? 7 होती है, और जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये उसकी पीएच होने कितनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। अगर 7 अगर पीएच होती है तो पीने योग्य पानी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ज्यादा भी अगर उसमें ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ज्यादा नीचे हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, और ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। उसके अंदर सबसे खास बात यह है कि उसके अंदर पर्याप्त रूप से उसमें O2 की मात्रा उसमें घुली होनी चाहिए, ऑक्सीजन उसमें पूरी तरह से घुली होनी चाहिए। तो ये हमारे जो पीने योग्य जो पानी होता है उसके गुण हैं। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर पानी का क्या रोल क्या है, क्या योगदान क्या है, कि हमारी बॉडी को जल की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय जो होता है उपापचय है, और पदार्थों का जो परिवहन जो होता है हमारी बॉडी में, किसी भी प्रकार के जो अंदर जो वेस्ट जा रहे हैं या उनको बाहर निकालना है और करना है, वो सारा का सारा काम कौन करता है? वाटर करता है। उपापचय, पदार्थों का परिवहन, इसी तरह से एक्सट्रेशन, उत्तरसर्जन, रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी भोजन, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको मालूम है, एक बात चल रही है कि कोरोना एक बीमारी चली हुई है, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ज्यादा मतलब क्या रह सकता है, उसके खिलाफ लड़ सकता है। जो उसको ज्यादातर किसको प्रभावित कर रहा है? बूढ़े लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने हेतु भी पानी का योगदान होता है। और हमारी बॉडी में जैसे हम थक गए हैं, अगर हमें एक, हम कहते हैं एक गिलास हमें पानी दे दीजिए, हम हमारा काम शुरू करते हैं दोबारा। तो यानी चुस्ती और ऊर्जा के लिए भी हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरी होती
है। इसी तरह से हमारे अगर रोग जो होते हैं, जैसे हमारे किसी प्रकार की एलर्जी है, या जो फेफड़े का संक्रमण है, पथरी है, अस्थमा है, सर्दी जुकाम आदि जो जो रोग हैं, इन सबसे भी निजात पाने के लिए हमारा जो पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए एक दिन में यानी प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। ये तो मैंने बात की है रोल ऑफ वाटर, यानी जो पानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो दूषित जल है, उस अगर हम कोई खराब पानी पीते हैं तो उसका क्या योगदान है, वो हमारे लिए किस तरह से खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे, अगर हम दूषित जल है, अगर उसमें विषाणु है, किसी प्रकार का वायरस अगर उसमें है, तो हमें, मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे पोलियो हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, इसको अपने पीलिया कहते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये विषाणुजन्य रोग हैं, वायरस जनित जो रोग हैं ये हमें हो सकते हैं। जीवाणुजन्य यानी वायरस, और ये क्या हो गया, बैक्टीरिया यानी जीवाणुजन्य, जैसा कि हैजा है, टाइफाइड है, ये जो रोग है, ये जो हमारी जो आंत जो होती है, आंत के अंदर शोथ हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। इसी तरह से प्रोटोजोआजन्य का मतलब होता है, जैसे अमीबा तो होता है एक प्रोटोजोआ है, अमीबा जो होता है वो एक प्रोटोजोआ है, वो हमारी बॉडी में अगर प्रवेश कर जाएगा तो एक रोग पैदा कर देता है, जिसको कहते हैं अमीबिया पैचिस नाम का रोग कहते हैं, जिसे 10 द्वारा लग जाते हैं। एक आता है कर्मीजन्य रोग, कर्मीजन्य रोग इसका अपने बुक में एक दे रखा है, बाला या नल रोग है, जो बहुत ही जरूरी भी है, कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। तो ये इसका जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस जो होता है वो उसका रोगजनक है, और ये एक राजस्थान की एक गंभीर बीमारी भी थी, परंतु धारणा इसके ऊपर एक कार्यक्रम चलाया गया सरकार के द्वारा, तो वो कार्यक्रम था नारू उन्मूलन। ये जो इसका जो ड्रेकनकुलस जो अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो हमारी आंत में जाकर ये क्या करता है, संक्रमण कर देता है। तो अब अगर हम बात करें, सन 2000 के बाद ये रोग किसी में भी नहीं पाया गया है, इसलिए मतलब आज थोड़ा, हालांकि अभी भी इसमें सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने चर्चा जो की है, हमने खनिज को पोषण के बारे में हमने बात की है, मानव स्वास्थ्य के अंदर हमने पीने जो योग्य जो पानी होता है उसके बारे में हमने बात की है, जो पानी होता है उसके बारे में बात की है, हमारी बॉडी में हमें जल क्यों आवश्यक है उसके बारे में हमने बात की है, दूषित जल जो होता है उसके बारे में हमने बात की है। जो आगे की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे, जो हमारे शरीर में जो मोटापा जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।